फिर से एक नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं श्यामला जी, जो मोडासा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम मोडासा से जो है निकल चुके हैं, 20 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है वो यहाँ का। तो वहाँ के बारे में कब बना ये सब चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में वहीं पहुँच कर बताती हूँ। पहुंच चुके हैं मंदिर, और ये पीछे पूरी मार्केट है जहाँ पे बच्चों के खिलौने भी मिलते हैं, और यहाँ पे मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद भी मिलता है। ये रहा श्यामला जी मंदिर, गेट नंबर 4। चलो अंदर चलते हैं। ये रहा मंदिर श्यामला जी। अंदर जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम आप लोगों को बाहर से ही दर्शन करवा देते हैं। को कितनी अच्छी कारीगरी करी हुई है इनकी। ये यहाँ पे जो टिकट मिल रही है, खाना खाने की टिकट मिल रही है यहाँ पे, अभी पता करते हैं कि एक बंदे की कितने रुपए की टिकट है। हाँ, मतलब वो ही तो 55। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई प्रोग्राम हो रहा है, और आज मंदिर में भीड़ भी बहुत ज्यादा है, और देखो वहाँ, और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी है, हमें भी नहीं पता वो प्रोग्राम क्या हो रहा है। पूजा कोई लग रहा है, पूजा करवा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तेजस जाओ, पापा के पास बैठ जाओ, चलो देखो तेजस, बाय। ये मंदिर के लगते ही बिल्कुल साथ में एक छोटा सा मंदिर और है, जिसका नाम है श्री त्रिलोकीनाथ विष्णु मंदिर। चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं यहाँ पे भी अंदर। यहाँ पे कहीं पर भी जो है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ, और मैं जाती हूँ वहाँ दर्शन के लिए। और उसके जस्ट सामने ही एक और मंदिर है, जिसका नाम है श्री गिरधारी लाल जी मंदिर। आओ बारो, देखो बंद हो चुका है, 12 बजे बंद हो जाता है, अब शाम को ही ओपन होगा।
हमने तो दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तेजस के पापा वहाँ से जो है खाने की टिकट ले रहे हैं, तो तेजू वहाँ पहुँच चुका है। तेजस रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तेजू? रुकता ही नहीं है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। लो तो अब हम डैम चले या पहले खाना खाएं? पहले डैम चले। हाँ टाइम अभी 12 ही बज रहे हैं, तो अभी तो भूख नहीं लगी है, तो पहले डैम ही चलते हैं। और ये तेजस मान नहीं रहा है, इसको मंदिर ही जाना है, इसलिए ये मान नहीं रहा है, इसलिए जिद कर रहा है कि मुझे उधर जाना है। तेजस चल, आप चलते हैं ना? नहीं मानेगा ये। हाँ वहाँ पे हमने हमारी चप्पलें भी है ना, तो चप्पल पहन के पहले हम डैम चलते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मंदिर आएंगे खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद देखो कहाँ जाने का प्लान बनता है फिर। और अब हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मंदिर को वहाँ डैम के लिए जा रहे हैं। चलो चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं डैम, हम पहले भी जा चुके हैं डैम, लेकिन ये जो है ये शामला जी के वहाँ का डैम है, तो हम यहाँ पे आए। मैं आपको डैम का व्यू दिखाती हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आके यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी तो उसकी वजह से आज मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा चल रही है बहुत तेज। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे? तो अभी क्या पता बंद हो। मैं आके जूस के चटकारे ले रहा है, इंजॉय कर रहा है बहुत ज्यादा। तेजस इधर देखो, तेजू इधर देखो, पापा को भी दोगे? दे दो, दे दो, वेरी गुड। जैसे थोड़ा सा असर तो हुआ है ना, थोड़ा ठंडा हुआ है ना, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ। कल बारिश हुई तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। चलो तेजस चलो, वहाँ डैम से आ चुके हैं मंदिर में, अब हम जाना अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चलो तेजस, ये यहाँ पे मतलब क्या है ये? अच्छा पहले नहीं था क्या? पहले भी आए थे हम यहाँ पे, हम पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम हाँ हाँ ऐसा हो सकता है हमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे जो, लेकिन पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ बोलो, भोजनालय वहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ले लेते हैं पहले। ये रहा पूरा खाने का सिस्टम, चलो यहाँ पे एक जगह ही बैठ जाते हैं एक जगह, फिर खाते हैं। अभी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, अभी खाना खाते हैं, तेजस के पापा लेने गए हैं, पहले अपनी प्लेट लेने जाएंगे, फिर मैं आप खुद लेके आऊँगी अपने लिए। देखते हैं खाने में क्या क्या है यहाँ पे, वैसे तो प्रसाद ही है तो अच्छा ही, प्रसाद तो बहुत अच्छा होता है, सबको ही अच्छा लगता है प्रसाद। फल और पूड़ी, मिठाई, पापड़, दाल और आलू की सब्जी है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अब जा रहे हैं हम नई लोकेशन पे, तो वो ब्लॉग जो है हमारा नेक्स्ट डे आएगा, तो हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय।